दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव किए हैं। इसके साथ ही डिस्क्लोजर नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि जानकारी दे दें कि रेगुलेटर ने अक्टूबर 2018 में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से सभी योजनाओं में निवेश में बने रहने तक कमीशन लेने के मॉडल यानी कि ट्रेल मॉडल और एसआईपी के जरिए होने वाले निवेश में अग्रिम कमीशन लेने को कहा था। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा है कि निवेश में बने रहने तक लगने वाले कमीशन का अग्रिम भुगतान प्रति स्कीम 3,000 रुपए तक मंथली एसआईपी के उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो म्यूचुअल फंड योजनाओं में पहली बार निवेश कर रहे हैं। कमीशन का भुगतान एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के वही खातों से किया जाएगा। केवल नए निवेशक द्वारा खरीदे जाने वाला पहले एसआईपी ही अग्रिम भुगतान के लिए पात्र होंगे। अलग अलग तारीखों पर खरीदे गए कई एसआईपी के मामले में जिस स्कीम के लिए ईएमआई यानी किश्त पहले शुरू होगी उसे ही अग्रिम भुगतान के लिए चुना जाएगा। सेबी ने कहा है कि आयोग टोटल एक्सप्रेस रेशियो यानी कि टीईआर का आकलन प्रत्येक योजना में नियमित और डायरेक्ट प्लान के बीच अंतर के आधार पर करेगा। टीईआर स्कीम के कार्पस का एक तय फीसदी है जो म्यूचुअल फंड हाउसेज निवेश के लिए चार्ज करते हैं। इसमें प्रशासनिक और प्रबंधन शुल्क शामिल है। संपत्ति प्रबंधन कंपनियों को भी सभी म्यूचुअल फंड योजनाओं के टीईआर की घोषणा अपनी वेबसाइट पर करनी होगी। इसमें बुनियादी ढांचा डेट फंड से जुड़ी योजनाएं शामिल नहीं है। साथ ही अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट या अन्य नियम की जरूरतों में बदलाव के कारण टीईआर घटता या बढ़ता है तो उसके बारे में पहले से निवेशक को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेबी ने डिस्क्लोजर नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केटिंग फंड के प्रदर्शन के बारे में खुलासा नियमों से छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये योजनाएं 1 साल से कम अवधि के लिए हों। तो दोस्तों बहुत बड़े अपडेट किए गए यहां पर सेबी द्वारा। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको सेबी द्वारा ये जो बदलाव किए गए ये कैसे लगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इन बदलाव के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।